शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं खड़ी हूँ बालकोनी में और आप देखिए ये व्यू, कितना ठंडा मौसम हो गया है। धुंध भी छाई हुई है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है। डिनर बनाने का भी टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि इतनी ठंड में तो कुछ गर्मा गर्म और चटपटा सा बना के खाया जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। बहुत दिन हो गए थे तो मैंने आलू की कचौड़ियाँ नहीं बनाई थी, तो मैं आज वही बनाने जा रही हूँ। कड़कड़ाती हुई ठंड में जब ये चटपटी और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। शाम का ही टाइम है तो यही हमारा इवनिंग स्नैक भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ना मैं आलू को अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल नए आलू आ रहे हैं ना तो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट इनको उबलने के लिए रख देंगे तो ये आलू किरकिरे हो सकते हैं। अच्छा, आज ये जो मैं कचौरी बना रही हूँ ना, वैसे तो हमेशा ऐसी ही बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़े अलग से ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ। हमारे फ्रिज में ना काफ़ी टाइम से बथुआ पड़ा हुआ था तो मैं वो ही निकाल रही हूँ। वैसे तो वो बथुआ मैंने रायता बनाने के लिए मंगाया था, लेकिन आजकल दही हो नहीं पा रही है क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में दही इतनी जल्दी जमती नहीं है। तो कई दिन हो गए थे उस बथुए को लाए हुए मम्मी को, और पहले तो देखते हैं कि ठीक है भी या नहीं। लेकिन उससे पहले ना मैं ढूंढ रही हूँ, इतनी सारी सब्जियाँ हो रखी है ना, क्योंकि कल ही मार्केट से सारी सब्जियाँ आई हुई है और फ्रिज एकदम फुल हो रखा है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ढूंढने में। फाइनली मिल गया। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बथुआ अभी ख़राब तो नहीं हुआ। तो मैंने खोल करके देखा तो ये ख़राब नहीं था। मैं इसकी डंडियाँ काट रही हूँ पहले और इसको पहले साफ़ कर लूँगी। इसे लगभग 5 से 6 दिन हो गए थे लेकिन ये अभी तक भी बिल्कुल फ्रेश था। वो ऐसा इसलिए ना क्योंकि मैंने ना इसे पॉलीथीन में बांध करके रख दिया था। आपको भी अगर अपनी सब्जियां ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखनी है ना तो उन्हें पॉलीथीन में बांध करके रख दीजिए, बिल्कुल फ्रेश रहती है एटलीस्ट 1 हफ्ते तक। आज मैं कचौड़ियों में ना इस बथुए का ही ट्विस्ट देने वाली हूँ, इससे हमारा बथुआ यूज़ में भी आ जाएगा और कचौड़ियाँ काफ़ी टेस्टी भी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरह से बथुए को वॉश कर लिया है। अब मैंने एक बर्तन में ना ये बथुआ डाल करके थोड़ा पानी डाल लिया है। अब मैं इसको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। चलिए जब तक मैंने बथुआ वगैरह धो करके तैयार किया तब तक हमारे आलू भी उबल चुके हैं। बथुए को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे और इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट के लिए उबाल ले देंगे। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी गांठ लहसुन की ली है और 5 से 6 हरी मिर्ची ली है। ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं साइज़ में और बहुत ही चटपटी हैं। इसे हम कचौड़ियों के स्टफिंग में यूज़ करने वाले हैं। कचौड़ियाँ मैं बिल्कुल चटपटी बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में काफ़ी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्चें कम कर सकते हैं। इन्हें ना सबसे पहले मैं दरदरा कूट रही हूँ। ये जो दरदरा टेक्सचर होता है ना लहसुन और हरी मिर्च का, बहुत ही मज़ेदार लगता है कचौड़ियों की स्टफिंग में। तो इन्हें मैंने दरदरा कूट लिया है। वहाँ साइड में मेरा बथुआ भी उबल चुका था, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़ी सी थाली में और फैला करके रख दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। जब तक बथुआ ठंडा हो रहा है यहाँ पे मैं स्टफिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलुओं को मैंने छील लिया है। सबसे पहले मैं एक मैशर की हेल्प से सारे आलुओं को फोड़ रही हूँ। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं ना या फिर कचौड़ी और आलू के पराठे बनाते वक्त वो बेलते वक्त आपसे फट जाते हैं तो आप हमेशा इन्हें कद्दूकस कीजिए। कद्दूकस की जो मोटी वाली साइड होती है ना उससे कद्दूकस कर लीजिए, तो उन्हें ना स्टफिंग करते वक्त और बेलते वक्त आपसे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैश कर दिया आलू। थोड़े से आलू मैं एक कटोरी में निकाल ली हूँ, 2-3 चम्मच। इससे मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बनाऊँगी बिना मसाले वाला। और यहाँ पे मैं हरा धनिया काट रही हूँ ढेर सारा। कचौड़ी या फिर आलू के पराठों में बहुत सारा हरा धनिया ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल सीज़न भी है तो ढेर सारा हरा धनिया डालिए, उससे बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आती है पराठों और कचौड़ी में और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हमें ये जो स्टफिंग तैयार करनी है ना उसके लिए पहले आलुओं को पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने दें। बिल्कुल भी गर्म आलुओं में आप ये मसाले ना ऐड करें, वरना आलू ना पानी छोड़ देंगे और बहुत ही सोगी हो जाएंगे। जब हम गर्म आलुओं में नमक डालते हैं ना तो वो पानी छोड़ देते हैं। कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन इसमें ऐड कर दिया है, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला है और हींग डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग से। और ये सारा हरा धनिया डाल दिया है। यहाँ पे ना मैं नमक डालना भूल गई हूँ अभी। जब मैंने मैश करने के बाद टेस्ट करके देखा ना तो उसमें नमक ही नहीं था, तो फिर मुझे याद आया कि नमक तो डाला ही नहीं है, तो फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके अच्छी तरह से पूरी स्टफिंग बना करके तैयार कर ली है।
इस स्टफिंग के अगर आप आलू के पराठे भी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से आलू के पराठे भी बनाती हूँ और कचौड़ियाँ भी बनाती हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए स्टफिंग भी तैयार हो गई है, अब यहाँ पे हम आटा लगाने की तैयारी कर लेते हैं। पथुआ पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, इसका मैं एक फाइन पेस्ट बना रही हूँ। ये जो पथुए का पेस्ट बना करके हमने तैयार किया है ना, इसी से मैं गेहूं का आटा गूंदने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक परात में आटा ले लिया है जितना हमें चाहिए, और ये जो पेस्ट बना करके तैयार किया था ना, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है। ये सारा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इस आटे में, और थोड़ा सा नमक डाला है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस अब हम जैसे ही नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही इसे गूंद करके तैयार कर लेंगे। चार में जो थोड़ा पेस्ट लगा हुआ था उसमें मैंने पानी डाल करके अच्छी तरह से घुमा लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं ना, वैसे ही आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पे पथुए की जगह पालक का भी यूज़ कर सकते हैं, और जब कभी आप आलू के पराठे भी बनाए ना तो ऐसे ही आटा तैयार कर लीजिएगा पालक वगैरह डाल करके, तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं पालक और पथुआ वगैरह, तो आप इस तरीके से हेल्दी वे में आप उन्हें खिला सकते हैं। सिंपल रोटियां भी बना सकते हैं इस तरीके से, तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। कचौड़ियां वगैरह तो इतनी हेल्दी नहीं होती है क्योंकि डीप फ्राई होती है ना, तो आप ज़्यादातर रोटियों में डाल करके उन्हें खिला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस में, और ऐड कर दिया है सरसों का तेल। मैं कचौड़ियाँ सरसों के तेल में ही फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है आटे का, और इसको कटोरी की शेप दे करके थोड़ा सा इसमें स्टफिंग फिल कर दी है। एक चम्मच के करीब इसमें फिल करी है, ज़्यादा फिल नहीं करनी है वरना बेलते वक्त फट जाएगी, और थोड़ी सी भी अगर फटी होगी ना कचौड़ी तो जैसे ही आप उसे फ्राई करेंगे ना वो बहुत सारा तेल पी लेगी, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, और टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है। तो बिना फटे इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बेलना है। पहले ना आप इसे जितना हो सके उतना हाथों से फैला लें, चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और हाथों से पहले चपटा कर लें। इस पे हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल के साथ ही मैं इसे बेलती हूँ, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और फिर बस एक या दो बार बेलन को चला देंगे तो हमारी कचौड़ी जो है बेल करके तैयार है, और ये देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है। तेल का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, और जब ये एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाएगी तभी हमें इसे पलटना है, और फिर धीरे धीरे करके ये फूल जाएगी और बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तेल के। ये देखिए कितनी अच्छी फूल करके तैयार हुई है, और इसने बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है, बहुत ही अच्छी कचौड़ी बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल फूली फूली। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरी सारी कचौड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही फूलती हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती हैं। आप इसे सिंपल गेहूं के आटे में भी बनाएंगे ना तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और एक बार मेरे कहने से इसी तरीके से स्टफिंग बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कचौड़ी बनाइए या फिर आलू के पराठे, सेम इसी स्टफिंग से बना करके देखिएगा, और मुझे एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। तो अब मैं बाकी की कचौड़ियाँ भी बना रही हूँ। अभी मैं आपको कचौड़ी को तोड़ करके उसके अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम फूली फूली कचौड़ी बनी है, और अब मैं इन्हें आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी लग रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, बहुत ही चटपटी एकदम गर्मा गर्म, और स्टफिंग तो बिल्कुल अच्छे से फिल हो रखी है इसमें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, और पथुए से तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एक बार आप खुद बना करके खा करके देखिएगा। आजकल इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है कि इस मौसम में ये कचौड़ी बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो एक बार बनाकर खाना तो बनता है। मैं तो बनाते बनाते ही खाने लग गई, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, क्योंकि गर्मा गर्म कचौड़ियों की तो बात ही अलग होती है। सिंपल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं कचौड़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज ही जाके बनाइए ये कचौड़ियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।